तेजस्वी के लिए लाठी लेकर मोदी से भिड़ गए लालू। पटना से दिल्ली तक मच गया हड़कंप। लालू को देखकर हर कोई रह गया दंग। झूठ और अफवाह फैलाने वालों की आ गई शामत। मोदी को याद दिला दिया उनका ही बयान। मुंह पर दे मारे सरकारी कागज, बोलती हुई बंद। मोदी के एक बयान ने बुरी तरह फंसा दिया। लालू का पारा हो गया हाई, पहुंच गए दिल्ली, खुले में मोदी को ललकारा। एक बयान ने मोदी को बुरी तरह से फंसा कर रख दिया है। वजह है कि उस बयान में लोगों को भड़काने और उकसाने का काम किया गया था। उस बयान के जरिए तेजस्वी को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जैसे ही अपने वादे को तेजस्वी यादव ने पूरा किया, वैसे ही लालू प्रसाद यादव सीधे दिल्ली पहुंच गए और मोदी से भिड़ गए। ऐसे में उन तमाम कागजों को सामने रख दिया है जिसमें तेजस्वी यादव के सारे वादे दावे में तब्दील होते दिखे। तो वही लालू प्रसाद यादव ने मोदी की चुटकी भी ले ली कि बताओ महाराज, पिछले 9.5 बरस में जुमले के अलावा क्या दिया है। नौकरी देने के ऐलान पर मौज काट रहे कमल छाप नेता बिहार वालों को बरगलाने में जुटे। लालू प्रसाद यादव ने एक झटके में अकल लगाई ठिकाने। हाल में तेजस्वी यादव के पूरे होते वादे की तस्दीक खुद बीजेपी के प्रवक्ता ने की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी का चयन बिहार में टीचर पद के लिए हो गया है। यानी जो वादे तेजस्वी यादव ने पिछले साल सत्ता में आने के वक्त किए थे, उसे सिर्फ 1 साल के अंदर पूरा कर दिया। जैसे ही अलग अलग तस्वीरें सामने आई, वैसे ही लालू प्रसाद यादव खिलखिला उठे। ऐसे में बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी का एक बयान याद दिला दिया, जो उन्होंने कुर्सी छीनने के 5 दिन बाद दिया था। पिछले साल 10 अगस्त को बीजेपी की बिहार की सत्ता से विदाई हुई थी। उधर सुशील कुमार मोदी का डिप्टी सीएम का पद चला गया था, जिसे वो सह नहीं पाए। ऐसे में जो वादा तेजस्वी यादव ने उस वक्त किया था, उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। सुशील कुमार मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त के मौके पर एक ट्वीट किया था कि अब RJD 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के वादे से मुकरने के बहानेबाजी से बाज आए। सिर्फ 1 साल के अंदर तेजस्वी यादव ने अपना वो वादा पूरा कर दिखाया। इस 1 साल में बिहार के युवाओं के हाथों तक रोजगार पहुंचा दिया। तो वहीं बीजेपी की हालत उस वक्त भी खराब हो गई जब जातीय जनगणना के आंकड़े भी बिहार में पेश हो गए, जो तेजस्वी यादव का दूसरा सबसे बड़ा वादा था। इसके बाद RJD ने सुशील कुमार मोदी को उनका पुराना बयान याद दिलाया और लिखा कि क्या हाल है अव्वा मियां, 18 साल बीजेपी ने बिहार में सत्ता की मलाई चाटी, युवाओं को क्या दिया। 2020 चुनाव में 19 लाख नौकरियों का वादा था, क्या दिया। RJD गठबंधन सरकार ने केवल 1 साल में ये कर दिखाया। 2 नवंबर को इतिहास रचते हुए हमारी सरकार 1,20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देगी। यानी जो तेजस्वी ने कहा वो पूरा किया है। यही वजह भी है कि कई बार नीतीश कुमार को बीजेपी ने बरगलाने की कोशिश की, सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं कि तेजस्वी यादव की मौजूदगी लोगों में भरोसा पैदा करती है और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका है। तेजस्वी के लिए लाठी लेकर मोदी से भिड़ गए लालू। पटना से दिल्ली तक मच गया हड़कंप। लालू को देखकर हर कोई रह गया दंग। झूठ और अफवाह फैलाने वालों की आ गई शामत। मोदी को याद दिला दिया उनका ही बयान। मुंह पर दे मारे सरकारी कागज, बोलती हुई बंद। मोदी के एक बयान ने बुरी तरह फंसा दिया। लालू का पारा हो गया हाई, पहुंच गए दिल्ली, खुले में मोदी को ललकारा।